आप में से सभी लोग यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का यूज कर गया, फिर वेरियस थर्ड पार्टी ऐप आ गए हैं जिसकी हेल्प से आप यूपीआई पेमेंट इजिली कर सकते हैं। आप अमेजोन पे है, व्हाट्सएप पे है, या फिर यहाँ पर क्रेडिट पे है, टाटा पे है, सभी में यूपीआई पेमेंट फैसिलिटीज आपको मिली, जिसकी हेल्प से आप यूपीआई पेमेंट इजिली कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे कल ही आया जब मुझे यहाँ पर HDFC मोबाइल ऐप में जो यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटीज मिलती है, जितने वेरियस यहाँ पर मोबाइल ऐप है, बैंकिंग ऐप है, उसमें आपको यूपीआई फैसिलिटीज मिलती है जिसमें आप अपना यूपीआई क्रिएट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे भी यहाँ पर पेमेंट्स करना था यूपीआई ऐप का यूज़ करके। मैं थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करता हूँ, जनरली मैं यहाँ बैंक का ऐप यूज़ करता हूँ। तो बैंकिंग ऐप में आपको एक फैसिलिटीज मिलती है यूपीआई का, वहाँ पर जब नंबर डालते हैं यूपीआई नंबर और आईडीज डालने की फैसिलिटीज मिलती है। यूपीआई नंबर आप फोन पे किन्हीं का बना हुआ है, किसी को भेजना है जैसे पैसे अपने फ्रेंड को, उसका फोन पे बना हुआ है, वो यहाँ पर HDFC मोबाइल ऐप यूज़ नहीं करता है, तो उसका नंबर यहाँ पर मैं डालता हूँ, तो यहाँ पर पैसे नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उनका यूपीआई नंबर एक्टिवेट नहीं था। मैंने उनका मोबाइल नंबर डाला पेमेंट करने के लिए, वो पेमेंट नहीं जाता। आप भी अक्सर देखते होंगे ऐसा ही होता है, जिनका गूगल पे सिर्फ यूज़ करते हैं, आपका किसी अदर एप्लीकेशन पे अकाउंट नहीं बना, सिर्फ गूगल पे पे आपने अकाउंट बनाए, आपका फ्रेंड यहाँ पर फोन पे यूज़ करता है और उनका किसी भी अदर अकाउंट नहीं बना हुआ, सिर्फ फोन पे यूज़ करता है, तो आप उसका फोन पे का नंबर गूगल पे पे डालते हैं तो वहाँ पैसे नहीं जाता। यहाँ पर इंटरऑपरेबल फीचर्स पहले नहीं था, तो इसके बारे में मैंने खोजा, रिसर्च किया कि यूपीआई नंबर क्या होता है। तो मुझे पता लगा रिसेंट में NPCI ने लॉन्च किया यूपीआई नंबर की फैसिलिटी, जैसे कि यूपीआई आईडीज होता था वो अल्फा न्यूमरिक में होता था, अब क्या है कि एक नंबर सिस्टम लेते आया गया जिसमें यूपीआई नंबर की फैसिलिटीज यहाँ पर दी गई आपको, जिसकी हेल्प से आप सिर्फ कस्टमर का यूपीआई नंबर डालेंगे, कोई किसी भी ऐप पर वो एक्टिवेटेड है, जैसे वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर आप अमेजोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपका यूपीआई नंबर बना हुआ है, तो आप किसी भी ऐप से इसको पेमेंट भेज सकते हैं। जैसे कि स्कैनर में होता है, किसी भी मर्चेंट के पास यहाँ पर गूगल पे, फोन पे या भारत पे का स्कैनर लगा होता है, आपके पास कोई भी यूपीआई है उससे स्कैन करके आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। यही सेम फीचर मोबाइल नंबर में भी लाना जरूरी था, तो NPCI ने ये फीचर्स ला के दिया, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, तो चीज़ें एक्टिवेट नहीं होती है तो आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो इसके लिए आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके पास फोन पे ऐप है या गूगल पे आप यूज़ करते हैं, जो भी अकाउंट आप यूज़ करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप फोन पे यूज़ करते हैं तो फोन पे के सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पर यूपीआई सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिया जाएगा प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर अपना यूपीआई नंबर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर को ही यूपीआई नंबर आप बना लें तभी फायदा होगा। ऐसे अपने डिजायर के अकॉर्डिंग भी नंबर चूज कर सकते हैं, 8 से लेके 9 तक का नंबर आप अपने से रख सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल नंबर को बाय डिफॉल्ट यहां पर यूपीआई नंबर बना सकते हैं। अगर आप जैसे ही यूपीआई नंबर पर क्लिक करते हैं, मेक यूपीआई नंबर आप बनाते हैं, इससे क्या होगा, कोई भी पार्टनर आपका पैसा भेजना चाहता है या फ्रेंड भेजना चाहता है, सिंपली यहां पर आपका मोबाइल नंबर किसी भी ऐप से वो डालेगा। मान लीजिए आप फोन पे यूज कर रहे हैं, वो पेटीएम से डालना चाहता है या फिर अमेजोन पे से डालना चाहता है, आपका नंबर डालेगा और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा। वहीं अगर आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं उसमें भी फैसिलिटीज मिलेगी। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रोफाइल के ऊपर, यहाँ पर मेक यूपीआई मैनेज यूपीआई नंबर आपको मिलता है, उसमें आप यूपीआई नंबर अपने मोबाइल नंबर को ही बना सकते हैं, तो इजिली वहाँ पर बना लेते हैं, तो यहाँ भी आपका यूपीआई नंबर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको एक्टिवेट कर लेनी चाहिए। अब ये एक्टिवेट रहेगा तो आप कहीं से भी पेमेंट कोई भी करेगा आपको, तो सिर्फ आपका नंबर डालेगा मोबाइल नंबर, वो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कोई अलग से स्कैनर या कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका यूपीआई नंबर ही यूपीआई आईडीज बन चुका है, उसे ही डाल के आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसे एक्टिवेट करना होता है तो आप लोग ज़रूर इसे एक्टिवेट कर ले कि अब यहाँ पर कोई भी पेमेंट्स करना चाहेगा, वो एक्सिस का मोबाइल ऐप यूज़ करता हो या फिर यहाँ पर ICICI बैंक का या किसी भी बैंकिंग यूपीआई का यूज करता हो, तो उसमें आपका सिर्फ मोबाइल नंबर डालेगा तो इजिली वहां पर पेमेंट चला जाएगा। वहां पर अलग से कोई स्कैनर की जरूरत नहीं, यूपीआई आईडीज की जरूरत नहीं। ऐसे यूपीआई आईडीज होती है तो वहां पर अल्फा न्यूमरिक करके लिखा होता है, वो नंबर याद रखना काफी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए NPCI ने यहां पर सेकेंड ऑप्शन आपको दिया यूपीआई नंबर का, और ये फैसिलिटी सभी यूपीआई ऐप में आपको मिल रही, तो आप लोग एक्टिवेट जरूर कर ले। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोग ये फैसिलिटीज पहले से एक्टिवेट करके रखे थे या नहीं। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पर दिख रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।